आजकल की दुनिया में कौन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनना चाहता है? हर कोई चाहता है कि हमारी बात सब लोग सुने, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, फ्रेंड सर्कल हो या बाहर प्रेमी प्रेमिका हो, हम सब चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए, हमें माना जाए, हमारी हाँ में हाँ मिलाई जाए। और जब ऐसा नहीं होता है तब सच में बहुत बुरा लगता है। तो चलिए अब मैं आपको एक ऐसा वशीकरण का उपाय बताती हूँ जिससे आप जिसे चाहे अपने वश में कर सकते हैं बहुत इजीली घर बैठे ही, और उसके बाद आप जो चाहेंगे वो इंसान वैसा ही करेगा। इस उपाय के जरिए आप जिसे चाहे अपने वश में कर सकते हैं, चाहे वो आपका पति हो, पत्नी हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो या आपके बच्चे हो जो आपकी आज्ञा नहीं मानते हैं। जी हाँ, इस उपाय से वो भी आपके बारे में सोचेंगे, आपकी आज्ञा मानेंगे। आपकी सास, आपकी ननद, आपका देवर, जिस पर आप चाहे उस पर ये वशीकरण कर सकते हैं। जी हाँ, अपने बच्चे से लेकर पति, सास, ससुर, देवर, ननद, जिसको भी आप वश में करना चाहते हैं, इस अचूक उपाय से आप उन्हें अपने वश में कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए जो मैं आपको विधि बताने वाली हूँ, आप उस विधि को ध्यान से सुनिए या लिख लीजिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस उपाय को करने की विधि बताती हूँ। विधि बहुत ही ज्यादा सरल है। आप जिस इंसान को वश में करना चाहते हैं, आपको उनका इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा, जी हाँ, उनके द्वारा यूज किया गया कपड़ा, कुछ भी हो सकता है, शर्ट, साड़ी, चुन्नी, अगर ये सब अवेलेबल नहीं हो रहे हैं आपको, तो आप उनका यूज किया हुआ रुमाल भी ले सकते हैं, पर वो यूज किया हुआ हो, धुला हुआ नहीं। इस रुमाल को खोलकर आप इस पर कुछ काली मिर्च के दाने, काली साबुत दाल के दाने, चावल के दाने और काली तिल, ये चारों चीजें आपको इस रुमाल पर रखनी है। ये चारों चीजें इजीली आपके किचन में ही अवेलेबल होती है। सारी सामग्री इस रुमाल में भरने के बाद आपको इसे अच्छे से फोल्ड करना है ताकि ये कहीं से भी गिरे नहीं। उसके बाद आपको इस पर 51 बार मंत्र पढ़ना है। जी हाँ, ये वही मंत्र है जो आपको आपका प्यार दिलवाएगा, जिस इंसान को आप वश में करना चाहते हैं वो वश में हो जाएगा। 51 बार आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। उसके बाद आपको इसे रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे रखना है, और फिर आपको ये महसूस करना है कि आपका प्यार या जिस इंसान को आप वश में करना चाहते हैं वो इंसान आपके पास है, आपके नजदीक है। और सुबह होते ही आपको इस कपड़े को जल में प्रवाहित कर देना है। उसके बाद 2 दिन में ही वो इंसान आपके वश में हो जाएगा। आप जो चाहते हैं वही होगा। आप जिसे पाना चाहती है आप उसे पा सकते हैं। जी हाँ, बहुत सरल और असरदार उपाय है। तो दोस्तों, अगर इस उपाय को करते वक्त आपको किसी भी तरह की समस्या आ रही है या कोई क्वेश्चन है माइंड में या कोई जिज्ञासा है, आप बेझिझक स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। जी हाँ, आप किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके जीवन में और भी कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, दुकान से रिलेटेड हो, प्रेमी प्रेमिका से रिलेटेड हो, बच्चों से रिलेटेड हो, मैरिज या लव या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आप हमें कॉल कीजिए। हमें बहुत खुशी होगी अगर हम आपकी मदद करें। तो आप बेझिझक हमें कॉल कीजिए और अपनी समस्या का समाधान पाइए। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय माता दी।